इनका इनका जन्म नहीं होगा उस समय की बात होगी। बड़ा इन लोगों को अफसोस है, बाप दादाओं को बड़ा अफसोस है। ये लोग मालिक हुआ करते थे, हम लोग सब लोग इनके मजदूर थे। अब बड़ी दर्द हो रहा है कि मालिकाना छीन गया हमारा। घबराइए नहीं, और छीनाएगा। बहुत अन्याय किया है हम लोगों ने। ये लोग मालिक थे, जितने अंग्रेज थे इनके सारे खानदान के लोग दलाली करते थे। अब दलाली में क्या क्या देते थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर था कि इन लोगों को कुछ जमीनों दे दिया था। ये लोग मालिक बन के बैठे थे। मन में इतना गुस्सा आता है, आज भी मालिक ही चलाते हैं। परनामो करने में, एमएलए को परनामो करने में मुंह में से नहीं निकलता, इतने करें प्रणाम प्रणाम, कोई सुने नहीं। अरे कहिए ना करिए, एमएलए की कुर्सी पर तो आप नहीं बैठ सकते। ये गरीब का बेटा अगर जीता है तो गरीबे का बेटा बैठेगा, और करना तो पड़ेगा। मुंह में कीजिए चाहे बाहर कीजिए, इसी वक्त अपने आदेश पारित करते हैं। आ कहते हैं कि नहीं, हम अपने आदेश खारिज करते हैं। और फिर अपने आदेश जब यहां से रिटायर हुए, ऐसी हुए ट्रांसफर हुआ तो चले गए फट से लिख करके आदेश देकर के। लगता है बिहार में पकड़े नहीं करेंगे, बिहार में नहीं पकड़िएगा, पूरा बिहार हमारा है। अब बिहार विधानसभा के मेंबर है सीओ साहब, आ जाके उसको आदेश दे देते हैं कि आप वहां जमीन पर घर बनवा लीजिए। और वो ऐसा बेवकूफ आदमी है, वो छोटका माझा पैक्स का अध्यक्ष है, पता ना पढ़ा लिखा है कि नहीं। अरे नहीं जानता है कि दूसरे की जमीन पर एक नोएडा में बिल्डिंग खड़ा हो गया, कितना बड़ा कौन टावर, एक एक घंटा में ध्वस्त हो गया कि नहीं। कानून जो है दूसरे अनाज में, सबसे कह रहा हूं कि दूसरे के जमीन पर, पहले लोग समझते थे कि हम दखल कब्जा करके बना लेंगे तो हमारा हो जाएगा। ये सब भ्रम में मत रहिए। अगर उनके नाम से बंदोबस्त है तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर बिल्डिंग बन जाएगा तो जनता, पहले तो जनता से निपटना होगा। अगर एक मिनट में एक चिटकी बजा दे तो ईटा ईटा लोग खाली कर देंगे, वही सुजपुरा में रोक के रखे हुए, मैं बता देना चाहता हूं। और दूसरी बात कि बन भी जाएगी बिल्डिंग तो कोर्ट का आदेश होगा, पहले जमीन क्लियर कीजिए ना। अभी तो सीओ पर एफआईआर होगा, एफआईआर होगा और गिरफ्तार होकर के हथकड़ी लगा कर जेल जाएगा, तो इसका भी दिमाग ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा दिमाग। और वो भी काम करना पड़ेगा कि आप एक आदेश देते हैं दूसरे के जमीन पर, आप कौन होते हैं? आपको नहीं समझ में है तो लिख के भेज दीजिए। इसलिए हम ब्लॉक के सभी अधिकारियों को कहना चाहते हैं, सतर्क होइए और सोच समझ के काम कीजिए। हम लोग भी जीत गए हैं तो हमारी जनता भी थोड़ा अनुशासित ज्यादा हो गई है, वो समझती है कि अब विधायक भी बतिया देंगे हो जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि अभी सरकार जो है मैं हम लोग कहने के लिए समर्थन दिए हुए है नहीं, इसलिए अभी वही रास्ता रखना होगा जो अमर जी बताते हैं कि लड़ाई के ना रास्ता तू जा, जैसन देवता वैसन पूजा, वो तैयार रखना होगा। आ फिर हम लोग मिले हुए हैं, पावर जो मिला है आपके आंदोलन के साथ हम खड़े रहेंगे कंधा से कंधा मिला के। इस हक अधिकार के लिए थोड़ा सा ताकत मिला है तो उतना लेके चलना है। तो ये जो है आदेश दे दिए कि है जो है बनवा लीजिए, बिहार में कहीं तो भेटा जाते, खैर चले आए फिर यहीं पर, अब देखते हैं। लेकिन रहेंगे नहीं, चल जाएंगे, तीन साल जो हो गया है तो जाना ही है। लेकिन बहुत गलती करके गए हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे जीरादेई में रह जाइए और चाहे जीरादेई से बाहर चले जाइए। हम ये भी नए सीओ हैं, चाहे पुराने जो है सीओ से कहना चाहते हैं और आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि जिस जमीन पर आप बसे हैं उस जमीन का आवेदन तैयार कीजिए, खेता खाता खेसरा सही, और ला करके सीओ के मुड़ी पर पटक दीजिए, दीजिए कि लीजिए और हमको जमीन दीजिए। पहले तो इस काम को कर दीजिए। डीएम साहब से बात हुई, कह रहे हैं कि आप चिन्हित करके दे दीजिए, हम जमीन दिलवा देते हैं। तो जिस जमीन पर गरीब बसे हैं उस जमीन का तो पहले खाता खेतरा सहित एक आवेदन आ जाए। इसलिए तमाम नेताओं से कहेंगे कि अपने अपने पंचायत में लग करके आवेदन तैयार करा दीजिए और एक दिन हम लोग यहाँ जमा करेंगे,
या अलग अलग भी जमा होगा, एक एक आवेदन पर गरीब को अगर जमीन नहीं है तो हम बताएंगे नहीं, तो उस सर्वे करेंगे तो उस सर्वे में गरीबों को छोड़ देंगे, हाल बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए हम प्रखंड के समेत दो विभागों को खास करके बता देना चाहते हैं, वीडियो से भी कहना चाहते हैं, कैंप लगवा करके जल्दी से जल्दी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। और हमारी लड़ाई है 400 में नहीं, 400 में दम नहीं, आप 3000 से कम नहीं लेके रहेंगे वृद्धा पेंशन। विधानसभा में भी आवाज उठा है, यहाँ भी वो चलेगा, इसलिए सब चलेगा। ये 5 गारंटी पर हम मोदी जी से कह रहे थे। अब ये ऐसी सरकार बेशर्म सरकार है, आज आप लोगों ने कल सुना ही होगा, एक इनके सबसे लाडले थे, ये भी कहानी थोड़ा सा, कौन है मोदी जी के, अडानी जी, 1 रुपया एकड़ के हिसाब से पूरा गुजरात का कितना एकड़ तो जमीन उनको दिया गया है, 1 रुपया एकड़।